So finally, I got this place to Harry Potter being inspired by. Like, hi, why did you choose that cafe? Thank you. So you're a Harry Potter fan? Yes, I am. That's a little wizard for you. Yes. मैं इस बुक को पढ़ रही थी एंड आई वाज लाइक कि कैन आई इमेजिन लाइक कि कैसे मैं जा सकती हूँ इस दुनिया में. सो इट्स लाइक वाओ, वी हैव ट्राइड टू क्रिएट अ लिटिल वर्ल्ड हैरी पॉटर का आपके लिए. ओके, आपको पसंद आया तो आई एम सो हैप्पी, यू लुकिंग सो गॉर्जियस. सेम, थैंक यू. लाइक आपको ये कॉन्सेप्ट का कैसे लाइक कैसे आइडिया आया? सो इसकी शुरुआत मैं मेरे ब्रदर इन लॉ से कहूँगी क्योंकि ही इज लाइक वी ऑल आर हैरी पॉटर फैंस इन द फैमिली. But he is a little bit, you know, higher. And he thought, why not magic? And, you know, some related kuch kare. And also, we are big time foodies. Okay. So, he thought ke magic ek real form mein. Okay, magic plus food. Yes. A great combination. Yes. Food mein magic, how we thought, as in, not by the presentation. Presentation to definitely, yes, magical hona chahiye. But we also thought with the food and the flavors and jo logo tak pahunche khana ho. तो हम सब यही चाहते थे कि खाना हम जो सर्व करें वो गेस्ट नहीं खाए, वो खाए जो उनको जिस तरीके से खाने का मन. दिस इज समथिंग डिफरेंट, लाइक बाहर के ऐसे किसी मैंने कैफे में देखा नहीं कि ऐसा कुछ हो. जी, तो वही हम सोच रहे थे क्योंकि कई बार अक्सर हम कई जगह जाते हैं तो ऐसा रहता है कि यू नो हमें अपना कस्टमाइज्ड फॉर्म नहीं मिलता. मे बी हमें मोर स्पाइसी और लेस शुगर, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो वी थॉट नहीं, व्हिच इज़ व्हाई वी हैव कम अप विद द ओपन किचन कॉन्सेप्ट. ओके, तो लाइक ओपन किचन है तो हम लोग कुछ भी इसमें कस्टमाइज भी करवा सकते हैं. एब्सोल्युटली, आप खाना बनते हुए भी देख सकते हैं. So it is in front of you what product we use and how we use, how hygienic we are. So मुझे लगता है people का guest के हमारा पूरा right बनता है कि वो अपना खाना सही तरीके से बनते हुए देख सकें and अगर उन्हें चीज़ सही नहीं लगती है तो वो हमें भी बता सकें, खुद भी देख सकें. So यहाँ पर काफ़ी cool सा, मतलब काफ़ी chilling type का scene लग रहा है, तो क्या इसके पीछे कुछ story है? बिल्कुल, हमने chill इसलिए रखा है क्योंकि वी वॉन्टेड इट टू बी यू नो एकदम कम्फर्टेबल फॉर द गेस्ट एकदम. इसलिए हमने कॉन्सेप्ट भी सेल्फ सर्विस रखा है. यू नो गेस्ट के पास पूरा राइट होना चाहिए कि वो कैफ़े को अपना कैफ़े समझ के एंजॉय करें, जैसे लेना चाहे, घर टाइप का फीलिंग. बिल्कुल घर, बट सेकेंड होम. ओके, सो आई ऑलवेज वॉन्टेड गेस्ट अंदर आए तो उनको ऐसा लगना चाहिए अरे दिस इज माई प्लेस, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, सब कुछ पता है मुझे. ओके, तो यहाँ पे गेम्स भी है, वी कैन प्ले गेम्स टू. एब्सोल्युटली, वी हैव सो मेनी टेबल गेम्स बिकॉज वी हैव दिस आइडिया कि गेस्ट थोड़ा इंटरनेट कम यूज करें, इंटरेक्शन हो, गेम्स हो, फन हो. एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं कि टेबल हमने बहुत ईजी मूवेबल रखा है बिकॉज जिसको जहाँ जगह स्पेस चाहिए, इफ यू डू नॉट हैव गेस्ट, अगर टेबल बुकड नहीं है तो वो मूव करके पूरा एरिया ऑक्यूपाई करके. वी हैव सीन पीपल डांसिंग, एंजॉइंग, प्लेइंग डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स. और क्या क्या अच्छा है यहाँ पे? सो यूनिक, यूनिक तो मैं चाहूँगी मैं आपको बताने से अच्छा है आप ट्राई करें उसका मैजिक. बिल्कुल, क्यों नहीं, लेट्स स्टार्ट विद बटर बियर. श्योर श्योर, बटर बियर प्लीज. इट्स अ बियर. नो एक्चुअली बाय द नेम इट्स बियर, बट हम लोग बियर इसमें यूज़ नहीं करते. तो जो इंग्रेडिएंट इसमें मेन है वो स्पेशल बटर. ओह वाओ, दिस इज कूल, समथिंग लाइक काफ़ी अच्छा. एंड लाइक कैन आई हैव इट? एब्सोल्युटली, बिकॉज मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ. इट्स रियली गुड, मेरे को पता नहीं चल रहा कि इसमें किस चीज़ का फ्लेवर आ रहा है. सबसे पहले स्ट्रॉ के, हम लोग वही स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें आपको एक स्पून मिलेगा जिसे आप क्रीम इन्जॉय कर सकें. ओके, यू कैन इन्जॉय योर ड्रिंक. इसमें एक मैजिक है लास्ट में. ओके, इट्स अ मैजिकल वर्ल्ड. ओके, इसमें भी मैजिक है? यस. ओह वाओ, फिर तो यहाँ पे काफ़ी सारा मैजिक है. That's how we wanted it to be. Okay. And at the end, जब आप drink करेंगे ना butter beer, तो आपको ऐसा लगेगा it's chilled, ठंडा and it's amazing. And last में ऐसा लगेगा ये visually never ending butter beer है. ये visually कभी ना ख़त्म होने वाला beer. आपको लगेगा ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, कैसे नहीं ख़त्म हुआ, दिख तो रहा है अभी भी है. So ऐसा हमने style रखा. That's cool. So we have also tried and managed एक fusion create करने का, French toast. People love Nutella. Yeah. And myself too. सेम है, आई एम अ न्यू बिग न्यूटेला फैन. तो हम लोग ने फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि फ्रेंच टोस्ट में क्या होता है, एग यूज़ होता है एंड इट्स एन एगलेस एंड एब्सोल्युटली वेज कैफे. ओके, तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये था कि क्यों ना हम उसको एगलेस क्रिएट करने की कोशिश करें. ओके, तो हम ये पॉसिबल है, मतलब ये पॉसिबल है एंड वी हैव ट्राइड इट एंड लकीली सबको पसंद आ रहा है. ओके, आई वांटेड टू यू टू ट्राई इट एज वेल. श्योर श्योर. सो इट्स अ फ्रेंच टोस्ट, हमारा फ्रेंच टोस्ट प्लेटर जिसमें
हम प्लेटिंग ऐसे करते हैं जैसे स्नोफॉल हो रखा है, गरम गरम फ्रेंच टोस्ट है एंड उसमें न्यूटेला लोडेड है. माय माउथ इज लाइक वाटरिंग अ लॉट, लाइक आई कांट वेट नाउ. बिल्कुल, तो देखते हैं मैजिक. I'm waiting. Can I see? Oh wow, it's great. Can I blow the candle? Yes, it is. तो अपन दोनों साथ में ब्लो करें. चलो. ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है. थैंक यू. The taste is very good. Exactly, ये है क्या? French toast, eggless. That's great. एकदम nice, moist and warm feel हो रहा है आपको. काफी soft है, like. जी हाँ. मतलब मुँह में जाते ही it's like बिल्कुल melt सा. Yes, हम यही चाहते थे. Because winters है, then why not in a little warm form में गर्मा गर्म French toast and Nutella lovers के लिए. बिल्कुल. We wanted it like that. ओके एंड लाइक और क्या क्या स्पेशल है यहाँ का? नेक्स्ट नेक्स्ट आइटम देखते. बिल्कुल. ओ वाओ, यस, सब प्लेटर कॉर्न एंड चीज सिगार. इट्स लुकिंग सो वाओ. इट कम्स इन अ वोडका ग्लास. कैन आई हैव इट? एब्सोल्युटली. लाइक इसको ऐसे ही खाना है या फिर एकदम ऐसे ही? एंड हमने डिप रखा है. ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ डिप है. ओके, हम ही क्रिएट करते हैं. वन इज स्पाइसी एंड वन इज लाइट. ओके, इसमें स्टफिंग भी है? यस, इसमें स्टफिंग है कॉर्न का एंड कॉर्न एंड फ्यू अदर थिंग्स विद वेजिटेबल्स एंड फ्रेशली मेड. अभी तो और बाकी है. और क्या खिलाने वाले हैं? तो बहुत कुछ बाकी है. तो अब आई एम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट. एब्सोल्युटली, लेट्स डू विद द पीटा पॉकेट्स. ओके, यस, दिस इज अ मेक्सिकन पीटा पॉकेट. ओ वाओ, इट्स हॉट and it is spicy. Okay, it's a Mexican and stuff. I am a spicy so lover. pocket ke andar hum log isme filling dalte hain with Mexican filling. Okay. Or Mexican vegetables and sauce and just iska sauce bhi hum hi banate hain. Okay, sab kuch yahi pe banta hai. Hum bahar se nahi karte kuch. Can I have it? Absolutely. Hmm. Something really tasty. Thank you. With a mustard dip ऊपर से, because the combo हमने सोचा था बहुत अच्छा होगा with Mexican and a little bit of you know mustard dip and it's really good. So finally हमने सब कुछ taste कर लिया है. It's perfect. It's a great combination with Harry Potter के magic को real food के magic के साथ लेकर आए. So you should not miss this. अपने friends gang वगैरह सबके साथ यहाँ पर आकर you should experience this thing. And I'm really, really happy कि मेरे को ये magic यहाँ पे feel करने को मिला.